हेलो गाइस, दिस इज़ रितुन। वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो बी एड स्पेशल वीडियो है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बी एड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइस, इस वीडियो को आप सभी फुल और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए गाइस, फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे लिए, आप लोगों की केयर और कंसर्न के लिए। यहाँ पर देखिए, सभी लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि कुछ लोग हमारे साथ इमोशनली भी कनेक्ट हैं, तो अच्छा लगता है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो उसके बदले में आप लोग हमारे साथ इमोशनली भी कनेक्ट हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे 2 दिन मिले हैं, आज का और कल का, तो मैं अपना ख्याल रखूँगी और रेस्ट भी करूँगी अच्छे से। अभी 2 दिन स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, घर पर ही रहना है, तो आराम से रेस्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर अब आप लोगों की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है कि बीएड फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल होंगे या नहीं। तो देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ना ही एग्ज़ाम होंगे, आप लोगों को ऐसे ही प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बच्चे ये ना सोचे कि ये लोग तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। देखिए, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को इन क्वेश्चन आंसर से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बीएड में कॉलेज जाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीएड में कॉलेज जाना ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी ही है, बस आप लोगों को टाइम टू टाइम अपना फाइल वर्क कंप्लीट करके देना होता है, और कॉलेज में जो भी सेमिनार चल रहे होते हैं उनको अटेंड करना होता है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली कॉलेज जाना ही जाना है। अगर आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं तो डेली कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कुछ कॉलेज तो ऐसे ही आप लोगों को परमिशन दे देते हैं कि आप लोग डेली कॉलेज मत आइए, लेकिन कुछ कॉलेज अटेंडेंस के लिए आप लोगों से पैसे चार्ज करते हैं, तो वो आपको फिर देने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप लेटर जमा करना भी ज़रूरी है क्या? प्रैक्टिकल नहीं हुए तो स्कूल वाले मुझसे 6,000 रुपये मांग रहे हैं। देखिए, इंटर्नशिप लेटर सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन आपके कॉलेज वाले ये 6,000 रुपये इंटर्नशिप का बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। इससे बेटर यही है कि आप खुद से किसी स्कूल से ये इंटर्नशिप लेटर बनवा लो तो ज़्यादा अच्छा है, वो लोग आपका काम 6,000 से कम में कर देंगे। इंटर्नशिप के लेटर की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ ही वीडियो आई बटन पर भी रिफ्लेक्ट करेगी, तो आप लोग उस वीडियो को देख कर अपना इंटर्नशिप का लेटर बनवा सकते हैं किसी भी स्कूल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में कॉलेज वाले पैसे मांग रहे हैं तो हम क्या करें? देखिए गाइस, वैसे तो कोई चार्ज लगता नहीं है प्रैक्टिकल का, लेकिन अगर एक बच्चा इसके लिए आवाज़ उठाता है ना, तो कॉलेज वाले मानते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप 50 के 50 बच्चे एक यूनिट होकर आवाज़ उठाएंगे ना, तो डेफिनेटली कॉलेज वालों को मानना पड़ेगा, लेकिन 50 बच्चे एकजुट होते ही नहीं हैं, एक या दो बच्चे बोलते हैं, तो ऐसे में कॉलेज वाले क्या करते हैं, बात भी नहीं मानते हैं और उल्टा आप लोगों के खिलाफ हो जाते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं देते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप लोग ये देखिए कि बीएड सेकेंड ईयर में जब आपने एडमिशन लिया था तो क्या आपके कॉलेज ने आपसे कुछ पैसे चार्ज किए थे? अगर उन्होंने उस टाइम कुछ पैसे चार्ज किए थे, तब तो उनका यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए पैसे चार्ज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर उन्होंने वहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं लिया था, तो यहाँ पर अगर वो आपसे 2-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीटी से रिलेटेड कि पीपीटी सीडी देना ज़रूरी होता है क्या? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन वाली सीडी देना ज़रूरी होता है। अगर ये आप पूछ रहे हैं कि इसके बिना काम चल सकता है या नहीं, तो ये आपको अपने कॉलेज से पूछना पड़ेगा, वहाँ के प्रोफेसर ही आपको बताएंगे कि आपका सीडी देने के बिना काम चलेगा या नहीं चलेगा। वैसे ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी हमारे फाइल वर्क का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएड सेकंड ईयर में जिनके एग्ज़ाम छूट गए हैं, क्या वो भी स्पेशल बैक एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के लिए वो नहीं है, वो स्पेशल बैक एग्ज़ाम यूजी पीजी के लिए हैं, और जो बीएड के लिए बैक एग्ज़ाम होते हैं वो अलग से होते हैं, उनके लिए फॉर्म अलग से आता है। जब आएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड ईयर की फाइल के साथ फर्स्ट ईयर की फाइल भी सबमिट करनी है क्या? तो देखिए, ये आप अपने कॉलेज से फ़ोन कर पूछिए, इसका जवाब वही आप लोगों को देंगे, क्योंकि कुछ कॉलेजेस तो जमा करा रहे हैं फर्स्ट ईयर की फाइल भी और कुछ कॉलेजेस नहीं करा रहे हैं, तो आपका कॉलेज ये बेहतर बताएगा कि उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर में प्रमोट होकर अब सेकंड ईयर में आए हैं, क्या उन लोगों को फर्स्ट ईयर की फाइल बनाना ज़रूरी है? तो देखिए, अगेन इस क्वेश्चन का आंसर वही है कि आप लोग अपने कॉलेज से फ़ोन कर पूछिए कि आप उन्हें फर्स्ट ईयर की फाइल की ज़रूरत है
है या नहीं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस बच्चों से बनवा रहे हैं और कुछ कॉलेजेस कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों का कॉलेज ही आपको बताएगा कि उन्हें ज़रूरत है या नहीं। अगर उन्हें ज़रूरत है तो बना लीजिए, सबमिट कर दीजिए, अगर नहीं है तो मत बनाइए और रहने दीजिए। और बीएड की फाइल से रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, साथ ही प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर आई बटन पर भी रिफ्लेक्ट करेगी, तो आप लोग वहाँ जाकर आपकी को जो भी फाइल कंप्लीट नहीं है उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर तो सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं, इनसे अलग अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ लेना। बाकी आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।